रोज़ा इफ्तारी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक शानदार और अजीम शान रोज़ा इफ्तारी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सोएब मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज़। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट वैशाली नगर में आई तैबा मस्जिद की रोज़ा इफ्तारी। इस मस्जिद में रमजान के पूरे महीने में रोजाना 500 लोग रोजा इफ्तारी करते हैं। साथ में इस मस्जिद में महिलाओं के लिए भी रोजा इफ्तारी का अलग बंदोबस्त किया जाता है। आसपास के कुछ लोग और बच्चे रोजा इफ्तारी के लिए पूरा महीना अपनी खिदमत अंजाम देकर शाम 4 बजे से इफ्तारी की तैयारियों में लग जाया करते हैं। आइए देखते हैं तैबा मस्जिद की ये शानदार और अजीम और शान रोजा इफ्तारी। मुंबई जोगेश्वरी वेस्ट वैशाली नगर की ये तैबा मस्जिद, यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं रोजा इफ्तारी किस तरह से होती है। जो आप देख रहे हैं वैशाली नगर तैबा मस्जिद में जो रोज़ा इफ्तारी के लिए तैयारियां की जाती है, जो लोग फल और फ्रूट जो काट रहे हैं रोज़ा इफ्तारी के लिए जो तैयारियां हो रही है, देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग भी है कुछ यंग भी है जो पूरा महीना लोगों की सेवाओं में इफ्तारी के लिए लगे हुए रहते हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ पर है जो बच्चे भी इतनी मेहनत रोजा रख के इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत कर रहे हैं रोजगारों के लिए। 4 बजे से आते हैं। कितने बजे से? 4 बजे से। कम से कम 500 आदमी की इफ्तारी होती है। सब इफ्तारी कस्टमर हवा में लेके आती है। सरबत भी बन जाए रोजे का। चाचा 2 साल से कोरोना की वजह से बंद था तो इस साल खुला है तो क्या किया? पब्लिक आ गई है। ये तैबा मस्जिद के अंदर हम लोग सब हर साल और पूरे साल भर जो भी खिदमत होती है हम लोग यहाँ पर ये सब खिदमत करते हैं। और सारे हम लोग आरिफ मामा है, लईक भाई है और सारे ट्रस्टी लोग भी है, मुख्तार भाई है, खादिम लोग भी है और सारी बहुत सब आवाम लाती है बहुत और आवाम भी बहुत देती है यहाँ की जोगेश्वरी की लेके आती है। आवाम देती है, सब शरबत भी बनाते हैं रोज पानी की 600 बोतल एक पार्टी देती है पूरा महीना। एक पार्टी रोज का 500 स्टार्टर एक महीना पूरा देती है। इसे हर पार्टी और हर तरीके की हर खिदमतें होती है यहाँ पर इंशाल्लाह। रगड़ा और मिल रहा है, रगड़ा भी रोज का हलो रगड़ा भी रोज का एक पार्टी भेजती है 1000 रुपये का, 30000 रुपये का महीने का। सब तरीके से इंतजाम किया जाता है रोजगारों के लिए। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इधर पूरा बंद था तैबा मस्जिद में, तो ऐसा हर साल ही होता है इंशाल्लाह इस मस्जिद के अंदर और काफी लोगों की खिदमत होती है। और बस बढ़ा रहे हैं रोज, बहुत खुशियाँ होती है उन लोग को और खुशियों से बांटते हैं शरबत। वो जीडी भाई के लड़के अब्दुल्ला, और क्या कहना चाहोगे मस्जिद में जो आप इतनी खिदमत देते हो, शरबत बनाते हो, रोजा रख के भी आप इतनी मेहनत करते हो? आइए आइए, सबको सब आए, सब रोजा खोले, सबके लिए ये सब आगे जूस पिए। ऐसा ही हम यही बोलना चाहते हैं। शरबत बनाते हो, मेहनत करते हो, कैसा लगता है तुम्हें? हमें तो बहुत खुशी होती है, आप भी आया करें। ठीक है, देख सकते हैं बच्चे लोग भी रोजा इफ्तारी की जो तैयारियां जोगेश्वरी वेस्ट वैशाली नगर तैबा मस्जिद में वॉलंटियर हजरात जो है थाल भरते हैं। इस्लाम में आप देखेंगे तो ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो सब एक थाल में बैठ के खाना खाते हैं। तो ये जैसे दिखाते हैं मस्जिद का रोज़ा इफ्तारी के दिन रमज़ान में ये देखने को मिलता है कि चाहे साहूकार हो चाहे गरीब हो सब एक साथ एक थाल में बैठ के खाना करते हैं। एक थाल में तकरीबन 5 से 6 आदमी लोग खाना खाते हैं।
होटल जो इस तरह से सजाया जाता है, कबाब, भजिया, फल फ्रूट, खजूर, चना, आप देख सकते हैं इस तरह से जो है रोजाना थाल सजाया जाता है मस्जिदों में इफ्तारी के लिए। चाचा क्या नाम है आपका? हाजा लाल शेख। चाचा तैयबा मस्जिद में आप इतनी सेवा करते हैं लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको? हमको अच्छा लगता है, जितना आपको ये करेंगे उतना अच्छा लग रहा है हमको। क्या काम करने में बहुत इंटरेस्ट है हमको, जैसा चालू होता वैसे ही हम आके इधर बैठे। कितने सालों से आप मस्जिद में खिदमत कर रहे हैं? वो ये 2021 से सब कुछ है, जब मस्जिद चालू है तब से हम इधर ही है। हाँ जी, हर साल आप फ्रूट वगैरह काटते हैं? हाँ जी जी। दो साल बंद रहा था तो आज क्या करें, अभी हमारी थोड़ी मजबूती है, बंद थी तो अभी हम क्या कर सकते हैं। नाम बताइए। सलाम अलैकुम, मोहम्मद इकबाल। क्या कहना चाहोगे, मस्जिद में आप रोजा इफ्तारी की तैयारियां करते हो रोजाना? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खुशी हुई थी बहुत हमें काम करके। हाँ, दादा का खा रहे हैं हम लोग। और मैनेजमेंट करते हो? सब बाबा यहाँ तीन आदमी, हरिफ भाई, मुख्तार भाई और कमेटी हो रहे सब लोग, और जो बोलते हैं काम जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मोदी साहब क्या कहना चाहेंगे, रमजान में इफ्तारियों की इस तरह से तैयारियां की जाती है, इसके बारे में क्या कुछ कहना? जी बहुत अच्छी बात है कि तैयबा मस्जिद के ट्रस्टियान हजरात और यहाँ के नमाजी कई सालों से, जब से मैं हूँ, मैं तकरीबन 5-6 साल से हूँ, तकरीबन देखा जा रहा हूँ कि 70 थाल लगते हैं, जिसमें 80 थाल लगते हैं, और उसमें काफ़ी लोग आते हैं, एक एक थाल में 6 आदमी 8 आदमी लोग बैठते हैं, जिसकी अगर गिनती करें तो कर 400-500 लोग बैठते हैं। और अक्सर तो देखा जाए रमजान के अंदर मस्जिदों में ज़्यादा रौनक दिखाई देती है। जी जी, लेकिन पिछले 2 साल से रमजान के अंदर कोरोना की वजह से लोग नहीं थे, मस्जिदों में आना जाना नहीं होता था, और इस बार 2 साल के बाद आज फिर से मस्जिदें खुली हो गई है, तो क्या कहना चाहिए पब्लिक किस तरह से आती है? जी जी, 2 साल से लॉकडाउन था, कोई बात नहीं है, लोग घर में इबादत किए, बहुत किए, और इस बार जो है अब खुल गया है, तो 2 साल का पूरा कसर निकाल रहे हैं और लोग अच्छे से खुशियां मना रहे हैं और रोज़ा और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। ये तरावी की नमाज होती है ना, उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत नमाजी पूरी फुल हो जाती है, पहला दूसरा तीसरा फुल हो जाता है। ये रमदान आ गया है, रमदान आ गया, रमदान आ गया है, रमदान आ गया है, दिल हमारे रब का मेहमान आ गया, दिल हमारे रब का मेहमान आ गया, कर लो खुदा को राजी, रमदान आ गया है, रमदान आ गया है, रहमत के दर खोले हैं, शाम शहर खुले हैं, कुर्बे खुदा का लेके सामान आ गया, रमदान आ गया है, रमदान आ गया है, रमदान आ गया है, रमदान आ गया है, रोजे का अजर देगा बंदे को रब ताला, रोजे का अजर देगा बंदे को रब ताला, मौला का रोजा दारा फरमान आ गया, रमदान आ गया है, रमदान आ गया है, रमदान आ गया है, रमदान आ गया है, दिल की करो सफाई मिल जाएगी रिहाई, दिल की करो सफाई मिल जाएगी रिहाई, करने हमारे मुश्किल आसान आ गया, रमदान आ गया है, रमदान आ गया है, रमदान आ गया है, रमदान आ गया है, रमदान आ गया, रमदान की ये बरकत कर सो खुदा की रहमत, रमदान की ये बरकत कर सो खुदा की रहमत, इस माह में तसद्दो रमदान आ गया, इस माह में तसद्दो कुरान आ गया, रमदान आ
यहाँ पे जिक्र करूँ जो पूरा महीना यहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं, लोगों को हाफिज कुरान सुनाते हैं, लोगों को तरावी की नमाज में, ये तैयबा मस्जिद जोगेश्वरी वेस्ट वैशाली नगर मुंबई। आज जो हम आपको रोज़ा इफ्तारी तैयबा मस्जिद की दिखा रहे हैं, पिछले 2 साल कोरोना काल की वजह से सब बंद था और इस साल सब मस्जिदें भी खुली हो गई है, रोशनी भी बढ़ गई है, रौनक भी बढ़ गई है मस्जिदों में। أشهد أن لا إله إلا الله تو دیکھا آپ نے کس طرح سے مسجد میں تیاریاں کی جاتی ہے ابھی روزہ افطاری بھی ہو گئی ہماری بھی کا وقت ہو جائے گا मुंबई से हमारे कैमरा पर्सन शाहनवाज कुरैशी के साथ संवाददाता सोएब मियानूर की एक खास रिपोर्ट। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर।